हमारे राम को भी गंदा कर दिया इन लोगों ने सड़क पर ला करके। राम को बदनाम किया जा रहा है। राम का भक्त होगा अगर वो सच्चा सनातनी होगा तो देश की एकता और अखंडता का ही काम करेगा। हम कांग्रेस जन ना कभी सत्ता के लिए लोभी थे, ना हमें सत्ता चाहिए। हम देश की एकता और अखंडता, देश का सौहार्द, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश में डेवलपमेंट, आज देख लीजिए इस लखनऊ की धरती पर आप खड़े हो। एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी IIM, IIT जो भी बने हुए हैं सब कांग्रेस की देन है। भाजपा बतावे कि इस लखनऊ की सड़क पर उसने क्या बनाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले एक सप्ताह से यूपी में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी कुछ मिनट में लखनऊ में आने वाली है। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और उनके वो कार्यकर्ता जो दिन रात राहुल गांधी के लिए उत्साहित रहते हैं, उनके अंदर जोश है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बेसब्री से, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए, राहुल गांधी से वार्ता के लिए बेताब हैं वो कार्यकर्ता, वो नेता यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा यूपी में, जो राहुल गांधी यूपी में जो कांग्रेस की नींव को कमज़ोर माना जाता है उसकी भरपाई कैसे होगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा हूँ, मैं जिला कांग्रेस कमेटी बहराइच का जिला अध्यक्ष हूँ। आप हमारे जिला कांग्रेस कमेटी बहराइच के जिला अध्यक्ष हैं। आज बहराइच से हम लोग चल करके अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी का स्वागत करने, हम अपने बहराइच साथियों के साथ जिसमें हमारे आदर्श अग्रवाल जी शहर अध्यक्ष हैं, AM सिद्दीकी साहब हैं, महफूज साहब हैं, गोपी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये NSY का अध्यक्ष है, वो महिला की अध्यक्ष हैं। आज हम तमाम कम से कम 700-800 हज़ार लोगों के साथ में बहराइच से यहाँ चल के अपने नेता का स्वागत करने आए हैं, राहुल गांधी को स्वागत करने आए हैं। तो इस यात्रा का, न्याय यात्रा का कितना, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकली थी, ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक जा रही है। तो इस न्याय यात्रा का यूपी में कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, हम लड़ाई प्रभाव के लिए नहीं लड़ते हैं। हमारा नेता सड़कों पर इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार बने। हमने देश की आज़ादी में अपने खून को, इस धरती से लहू को सींचा है, लहू से इस धरती को सींचा है। हम इस जनता की भलाई के लिए, न्याय के लिए इस यात्रा को किया जा रहा है। मुझे राहुल गांधी को अभी देश समझ नहीं पा रहा है। राहुल गांधी एक संत है, हो सकता है, मेरा जो अनुमान है, हो सकता है प्रधानमंत्री की गद्दी उसके पास आवे और वो ठोकर मार दे। प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी नहीं लड़ रहा है, ये देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है, ये देश की आर्थिक गुलामी का प्रश्न है, ये देश के में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप एक तरफ सारे पूंजीपतियों को इकट्ठा किया जा रहा है और एक तरफ हमारी भोली जनता जो धर्म की चाशनी में डुबो करके उसको, देश को बर्बाद किया जा रहा है। हम कांग्रेस जन ना कभी सत्ता के लिए लोभी थे, ना हमें सत्ता चाहिए। हम देश की एकता और अखंडता, देश का सौहार्द, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश में डेवलपमेंट, आज देख लीजिए इस लखनऊ की धरती पर आप खड़े हो। एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी IIM, IIT जो भी बने हुए हैं सब कांग्रेस की देन है। भाजपा बतावे कि इस लखनऊ की सड़क पर उसने क्या बनाया। हम कभी राम मंदिर के मुद्दे पर, राम हमारी आस्था का प्रश्न है, अल्लाह, राम भगवान, सिख ईसाई, ये सब घर के अंदर की चीज़ें हैं। हमारे राम को भी गंदा कर दिया इन लोगों ने सड़क पर ला करके। जब सड़क पर जय श्री राम का नारा राजनीतिक व्यक्ति एक जत्थे में वोट मांगते हुए लगाता है तो राम लोग को लोग समझते हैं कि राम भक्त का प्रश्न हो जाता है, जबकि राम को इस सड़क पर नीलाम कर दिया जाता है। गाड़ी के आगे मैंने देखा है राम का नाम लगाते हुए उसको कीचड़ में ले जाते हैं, प्रचार करते हैं और उसी राम के ऊपर सारा कीचड़ आ जाता है। ये राम नहीं है, राम को बदनाम किया जा रहा है। राम का भक्त होगा अगर वो सच्चा सनातनी होगा तो देश की एकता और अखंडता का ही काम करेगा। क्या नाम है? गोपीनाथ आदर्श अग्रवाल, शहर अध्यक्ष बहराइच। शहर अध्यक्ष बहराइच, यानी आपकी बहराइच की टीम। हाँ, ये बहराइच की टीम राहुल गांधी के स्वागत में आई है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं? उसी प्रकार देखते हैं जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने कहा, न्याय यात्रा केवल हम मजदूरों की न्याय के लिए, शोषित समाज के न्याय के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर।